हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन हंगर इंडेक्स। तो क्या हम लोग इतने भूखे नंगे हैं? तो चलिए देखते हैं। इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ टोटल 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023, विथ इट्स प्रोग्रेस अगेंस्ट द हंगर इंडेक्स हॉल्टेड सिंस 2015, रिफ्लेक्टिंग अ ग्लोबल ट्रेंड। द यूनियन गवर्नमेंट दो contested India's performance for the third year in a row, citing flawed methodology. Afghanistan, Haiti, and 12 sub-Saharan countries performed worse than India on the GHI. India's ranking based on GHI score is 28.7 on a 100-point scale, where 0 is the best score, no hunger, and 100 is the worst score. This category categorizes India's severity of hunger as serious. तो यहाँ पे बहुत भूखे लोग हैं, इसमें तो इतना तो पता चल गया, तभी तो करप्शन है इतना। ठीक है, द GHI स्कोर इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला विच कंबाइंस फोर इंडिकेटर्स दैट टुगेदर कैप्चर द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर, इंक्लूडिंग अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोरालिटी। तो 1, 2, 3, 4, ये चार उसमें डायमेंशंस कवर करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट येट अगेन क्वेश्चन योर GHI एंड कॉल इट अ फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर एंड डजेंट रिफ्लेक्ट इंडिया ट्रू पोजिशन। इसमें ये बोल दिया गया है, द GHI यूजेज द सेम डेटा सोर्सेज फॉर ऑल कंट्रीज टू कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव कंट्री स्कोर। दिस इंश्योर्स दैट ऑल द रेट्स यूज हैव बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग कंपेरेबल मेथडोलॉजी। मरियम वीमर्स, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर एट द GSI, सेड इन द ईमेल रिस्पॉन्स। तो इन्होंने ईमेल करके इंडिया को बोला है, भाई हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप देख लो। सबसे पहले GHI हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंडिया का रैंकिंग क्या है, 111 आउट ऑफ 125। इसमें हमें इतना पता चल गया, इंडिया का ये स्कोर है। ठीक है, इंडिया का स्कोर कितना, ये तो रैंक है, ये रैंक है। इंडिया का स्कोर कितना है, 28 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा है 28.7, 28.7। ठीक है, आउट ऑफ 100 ये इंडिया का स्कोर है। 0 जो है बेस्ट है, मतलब नो हंगर, और 100 जो है वर्स्ट है, मतलब ऑल हंगर। ठीक है, ये चीज होगी। इंडिया के नीचे कौन आ रहा है, अब देखिए, अफगान प्लस 12 सहारन कंट्रीज, और आप देखिए कौन कौन है, हैती, ये सब है बस, ये इंडिया के नीचे में है। और आप देखिए ये फोर डायमेंशन यूज करता है, ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, HDI लिख रहा हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूजेस फोर, आप देखिए डायमेंशन, क्या फोर डायमेंशन यूज करता है। पहला आप देखिए यूज करता है आपका, यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ हंगर, ठीक है, इंक्लूडिंग अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोरालिटी। तो सबसे पहले अंडर नरिशमेंट, सेकेंड चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड चाइल्ड वेस्टिंग, फोर्थ चाइल्ड मोरालिटी, मोर्टैलिटी। ये चार फैक्टर्स यूज करते हैं। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको क्वेश्चन कर दिया, बोला ये फ्लॉड है। उन्होंने ईमेल में बोला, हम सेम डेटा सोर्सेज सबके लिए यूज करते हैं, तो भैया तुम अपना कंट्री ठीक करो। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, किस लिए। ये चीज़ GDP में कवर होता है क्या, GDP आपका सही है, सही जानकारी आपको देता है क्या, ये क्वालिटी बताता है या सिर्फ क्वांटिटी बताता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ में अंतर है यहाँ पे, ये क्वालिटी नहीं बताता है GDP। आप उसमें देखिए, कुछ ऐसे इंडेक्स में, हंगर्स में हम लोग को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा।
तो इस आर्टिकल में मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। अब आपको इसके ऊपर रिसर्च क्या करना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कितने टर्म्स पे निकलते हैं, मतलब टर्म्स मतलब कितने सालों में निकलते हैं, और ये जो सारे टर्म्स हैं इसको इसकी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा जिसमें GHI के ऊपर मैं सारी की सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।